भिलाई निगम के वार्ड 13 कोहका में नई पानी की टंकी बनाई गई थी, जिसमें से 24 घंटे पानी का भारी रिसाव होता था, जिसके लिए कोहका विकास समिति ने पानी की बर्बादी को देखते हुए पहल की थी और इसकी खबर हमने अपने चैनल में प्रमुखता से प्रदर्शित की थी, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। कोहका विकास समिति ने इसके लिए निगम आयुक्त को भी मिलकर जानकारी दी थी। पानी की बर्बादी को देखते हुए आयुक्त ने तत्काल इसे सुधारने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। इसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ और 2 दिन में शुद्ध पेयजल की बर्बादी पर विराम लग सका। इसके बाद कोहका विकास समिति ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम तथा भिलाई निगम आयुक्त का दिल से आभार जताया है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आदमी किसी कार्य को अगर ये ठान ले कि इस कार्य को हमको पूरा करना है, तो फिर कहीं पर भी कोई समस्या आड़े नहीं आती है, कोई बाधा आड़े नहीं आती है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं ग्रैंड एशियन चैनल को, जिसने इस खबर को प्रमुखता से लिया और लोगों के संज्ञान में डाल के या हमारे जिम्मेदारों के नज़रों में इस खबर को डालकर इस खबर को इतना मतलब उसको प्रचलित बनाया और इतना इसको प्राथमिकता से दिया कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी जीवनदायिनी जो जल जिसको हम लोग पूजते हैं, वो लाखों लीटर जो समय से बर्बाद हो रहा था, वो आज 2 दिन में बंद कर तैयार हो गया है और जिसका परिणाम आज सब लोग देख रहे हैं। जिस कार्य को करने में हम लोग सालों लगा दिए, यहाँ पार्षद को बताना, यहाँ मुख्य कार्यकर्ताओं को बताना, ये करते करते हमको काफ़ी दिन हो गए थे, जिसके बाद मानवाधिकार संगठन और कोहका विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया और इसको तुरंत कार्यवाही करते हुए आज के दिन हमारा ये टंकी का जो जल रिसाव है वो बंद करवाया गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ आयुक्त महोदय का भी कि इस कार्य को इतनी प्राथमिकता से लिया गया कि 2 दिन के अंदर ये टंकी बनकर तैयार हो गया, जल रिसाव बंद हो चुका है, लाखों लीटर पानी जो लोगों के प्यास को बुझाती है वो आज बर्बादी उसकी बंद हो गई है। और मैं साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से ग्रैंड एशियन न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज समय समय पर हमारे हर कार्य को प्राथमिकता से दिखाते हैं और कोई भी समस्या हो उसको त्वरित कार्यवाही करवाने पर शासन को प्रशासन को विवश कर देते हैं। धन्यवाद। देखिए, जब से टंकी बना था तब से इसमें पानी का रिसाव हो रहा था और कुछ समय से पहले से यहाँ पानी का रिसाव कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। यह बहुत समय से हो रहा है और इसकी शिकायत हमने पार्षद पति सुमन सागर सिन्हा से कई बार किए, परंतु किस कारण से वो बनवा नहीं पाए, बन नहीं पाया ये तो नहीं मालूम। और हमने इसका लगातार शिकायत की लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था। इसकी हमने एक आवेदन आयुक्त महोदय को दिया और एशियन चैनल जो आपका चैनल है उन्होंने भी इसको कवरेज किया, तब जाके आयुक्त महोदय द्वारा इसमें संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई एवं इसको बनवाया गया, इसलिए हम आयुक्त महोदय का धन्यवाद देते। और साथ ही साथ सहृदय हम धन्यवाद देंगे एशियन चैनल का इस कवरेज को दिखाए, इस पर तत्काल कार्रवाई हुआ, इसके लिए हम आयुक्त महोदय और एशियन चैनल दोनों का धन्यवाद देते हैं।